सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान है आपने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नाजिम साहब का कि उन्होंने बहुत वक्त से आवाज़ दी। निज़ाम साहब को बहुत मुबारकबाद बेहतरीन मशायरे के लिए। डॉक्टर कैसर खालिद साहब को जाना है, बहुत अच्छे अच्छे अशार उन्होंने सुनाए, उन्हें बहुत मुबारकबाद, उनका बहुत शुक्रिया। बहुत दिन से मैं भी सोच रहा था कि ऐसा कोई इलाका हो जहाँ प्रतापगढ़ वाले थोड़ी ज़्यादा तादाद में हों तो उनसे मुलाकात की जाए। बहुत दिन बाद ये मौका हासिल हुआ है। निज़ाम भाई का शुक्रिया कि उन्होंने ऐसा एक दिन हम सबके सामने लाके खड़ा किया। और आज का दिन बड़ा प्यारा भी है, बड़ा अजीब भी है। मैं तकरीबन 46 मिनट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण जो है फेसबुक पर लाइव सुन करके तब यहाँ आया हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे दिमाग में इस समय क्या चल रहा होगा और मेरा दिमाग कितना पका होगा तब मैं यहाँ पहुँचा हूँ साहब। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ साहब, आपको याद होगा आज 51वां दिन है नोटबंदी का। आज से 51 दिन पहले रात के 8 बजे के आसपास टीवी की स्क्रीन जो है वो ब्लैक हुई और एक चेहरा नमूदार हुआ और उसने कहा कि भाइयों बहनों 500 और 1000 की नोट रद्दी है, अगर 50 दिन में मुल्क के हालात ना बदल गए तो जिस चौराहे पे चाहना मुझे फांसी चढ़ा देना। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब कि हमारे दर्द में गम में फटकने भी नहीं आए। दरअसल पीछे तक आप सबकी शिरकत हो, आप सोच रहे होंगे कि आपकी तालियों का शोर या आपकी दुआएं या आपकी दाद हम तक नहीं पहुंचेगी। आप दुआ देके बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। पीछे तक आपकी शिरकत चाहता हूं मैं पढ़ता हूं साहब कि हमारे दर्द में गम में फटकने भी नहीं आए, वो मित्रों कह के हाथों को झटकने भी नहीं आए, वो मित्रों कह के हाथों को झटकने भी नहीं आए। कहां तो कह रहे थे मुझको फांसी पर चढ़ा देना, अब दुआएं देके भेजना दिल्ली तक इस मिसरे को। कहां तो कह रहे थे मुझको फांसी पे चढ़ा देना, मगर जब वक्त आया तो लटकने भी नहीं आए, मगर जब वक्त आया तो। वो भाषण दे रहे थे फेसबुक पर, मैं सुन रहा था उन्हें लाइव और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी वाली स्क्रिप्ट नहीं बल्कि देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली वाली स्क्रिप्ट उन्हें मिल गई हो और उसको पढ़ करके वो निकल लिए हों साहब। आज पहली बार हुआ है 2.5 साल के भाषण में कि एक बार उन्होंने मित्रों लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया, पहली बार ऐसा हुआ है। मैं चार मिसरे और पढ़ता हूँ साहब, ये तो ठीक है उनका भाषण जो भी है जैसा भी है, उम्मीदें टूट रही हैं, लेकिन मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ और इधर जो दोस्त खड़े हैं उन सबकी भी शिरकत मांगता हूँ। पढ़ता हूँ साहब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहेब। निजाम भाई, सरदार वीरा सिंह जी भी तभी मैं देख रहा था कि आए हमारे प्रोग्राम में, वो आए तो अच्छा लगा कि चलो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यालय से भी हमारे बीच में कोई आ गया है तो ये खुशी की बात है। नागेश भाई बैठे हैं, आपकी पूरी टीम बैठी है, खूबसूरत रात के लिए आप सबको मुबारकबाद देते हुए मिसरे पढ़ता हूँ। हम नजीब का मातम करते रहे, तोहफे में हमें मिनहाज दिया गया, हम मिनहाज के नाम पे रोते रहे, हमें तोहफे में भोपाल दिया गया, हम भोपाल का मातम मनाते रहे कि कतारों में 115 से ज्यादा मौतों का तोहफा दिया गया हमें। इमरान मिसरे पढ़ता है, अगर सच्चे लगे तो दुआ देना कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहेब,
क्या सितम और नयाई जा करोगे साहेब, क्या सितम और नयाई जा करोगे साहेब, खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना करोगे साहेब, करोगे साहेब, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहेब, करोगे साहेब। अजीब है मकाना फैसला है साहब, जो जी में आया वो कर दिया। रात के 8 बजे एक आदमी ने घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बच्चे ने झांक करके माँ से कहा कि मम्मी मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए हैं। तो माँ ने कहा वो दाढ़ी वाले बाबा नहीं होंगे, तुम्हारे पिताजी होंगे, नोट बदलवाने गए थे, 6 दिन बाद बैंक से लौटे हैं, दाढ़ी बढ़ गई है। ये हालत हो गई है साहब, ऐसा है मकाना फैसला, जाहिलाना फैसला। कतार टूटने का नाम नहीं ले रही है, बैंक खाली है, बैंकों में पैसे नहीं है। कहते हैं पेटीएम करो, पेटीएम से पैसे दो। आप सोचो के पेट्रोल टंकियों पर बहुत पहले से हम एक स्लोगन पढ़ते आ रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए, विस्फोट हो सकता है, और पेटीएम करो तो पेटीएम बिना मोबाइल के आदमी करेगा कैसे? अजीब जाहिलाना फैसला है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। ये कहा गया आतंकवाद नक्सलवाद सब खत्म हो जाएगा, काला धन ये सब सारा कुछ, लेकिन आज जब बोले तो ना काले धन पर कुछ बोले, ना नोटबंदी पर एक जुमला बोले। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, इमरान के ये मिसरे सच्चे लगे तो पीछे तक कोई भी हाथ खामोश ना रहे। मैं पढ़ता हूं साहब कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो है। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। बहुत शुक्रिया। लेकिन यह हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत सा मुल्क है, इसका ताना बाना ही कुछ ऐसा है कि यह बहुत ज्यादा दिन किसी भी फासिस्ट ताकत को बर्दाश्त नहीं करता। यह शुरुआत हो चुकी है साहब। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, 2014 से लेकर 2016 बीतने तक जो बदलाव आए हैं, अगर 4 मिसरों में पिरो सकूं तो मुझे दुआएं देना। मेरे सामने जो भी मेरे चाहने वाले बैठे हैं, मेरे अपने लोग बैठे हैं, मुझे सबकी दुआएं चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब के चाय चाय करते थे, अभी चाय लाई गई कई बार। आजकल एक जुमला बहुत सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चाय की दुकान पर किसी भी बच्चे को काम करते देखिए तो उसे मना कर दीजिए, उसका काम छुड़वा दीजिए ताकि वो आगे चल करके देश का मुस्तकबिल ना खराब कर सके। मैं पढ़ता हूँ साहब और दुआएं मांगता हूँ आपसे कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं
दलित जब से हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से। ये कांग्रेस के तमाम अहम जिम्मेदारान लोग बैठे हैं। मेरे उत्तर प्रदेश में तो आजकल बड़ी बहस छिड़ी हुई है, आपस में बड़ी लड़ाई सी चल रही है। एक भाजपा वाले ने कांग्रेस वाले ने कहा कि काय की सोनिया गांधी, काय की सोनिया गांधी, उन्होंने इस देश को दो बच्चों के अलावा दिया ही क्या है। तो कांग्रेसी भी निजामुद्दीन भाई की तरफ था, उसने पलट के कहा कि शुक्र है कि उन्होंने तो दो बच्चे दिए इस देश को, आपके मोदी जी से तो वो भी नहीं हो सका। मैं मिसरा पढ़ता हूं साहब, कि जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं, कि 3 साल बाकी है आने दो जरा 19। दुआ करता हूं आज 2016 बीतने की आखिरी रात, कि 3 साल बाकी है आने दो जरा 19। दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं, दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं, चाहे चाहे करते थे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं, थोड़ा सा तीखा होने की कोशिश करता हूं, अपने लहजे में आने की कोशिश करता हूं, जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, कोशिश करता हूं कि वहां तक आपको पहुंचाऊं। अंटाफिल मेरा ख्याल है कि 1.5-2 साल, 3 साल पहले शायद यहां एक आध बार किसी प्रोग्राम में आया हुआ था, आज दोबारा हाजिरी हुई है। 4 मिसरे पढ़ता हूं, कि दायरे में सिमट के आया है, जोड़ लीजिएगा जहां से जोड़ सकिएगा इन मिसरों को, कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। निजामुद्दीन साहब बोल रहे थे और आज उनके लहजे में जो धीमापन था, जो शराफत थी, वो बता रही थी कि भाभी कहीं आसपास इस भीड़ में बैठी हुई हैं। इसीलिए अपने आप लहजे में एक अजीब सा, मतलब अजीब सी शराफत थी, खामोशी थी, वरना सियासी आदमी के लहजे में कहां ऐसा मामला हुआ करता है। तो भाभी का शुक्रिया कि आज वो यहां मौजूद हैं और आज उनके अंदर का शायर निकल करके सामने आ पाया है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब और दुआएं मांगता हूं आपसे। 29 जवानों को लेकर के पिछले तकरीबन 3 महीने से सेना का एक विमान लापता है। सर्जिकल स्ट्राइक के पोस्टर चिपका करके पूरे देश में क्रेडिट लेने वाला कोई भी शख्स उन 29 जवानों के बारे में बात तक करने को तैयार नहीं। 19 जवानों को हमने उरी में शहीद करवाया, 19 जवान जिन्होंने अपनी लाश बिछा दी इस देश की नींव को मजबूत करने के लिए। मैं सलाम करता हूं ऐसे तमाम शहीदों को जो इस मुल्क की खातिर कुर्बान हो गए। आप सोचिए, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बयान आया था कि अब परिंदा भी उस पार से इधर आएगा तो हमसे पूछ के आएगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 17 से ज्यादा अटैक हो चुके हैं सर्जिकल स्ट्राइक के उस तथा कथित मामले के बाद। आखिर कोई क्यों बोलने को तैयार नहीं? आपको पुराने भाषण याद होंगे साहब के, हम आप बोल दें तो हमें टिकट पकड़ा दिया जाता है कि पड़ोसी मुल्क चले जाओ। लेकिन खुद अभी 10 दिन पहले उन्होंने नवाज शरीफ को ट्वीट करके जन्मदिन की मुबारकबाद दी। इमरान 4 मिसरे पढ़ता है साहब, के सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख,
मेरे तेवर के लिए, मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर ना मर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर ना मर्दों का कब्जा है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था कि अब इस कुंवारेपन का कोई तो इलाज निकले, तो अच्छा है कि प्रतापगढ़ वाले ने ही सर पे साफा बांधा है। अब इंशाल्लाह जल्दी मेरा ख्याल है कि एक से दो भी कर देंगे। शुक्रिया इनकी मोहब्बत का। दिल्ली तुझ पर ना मर्दों का कब्जा है, के सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहेब रोशनदान की बातें करते हैं, साहेब रोशनदान की बातें करते हैं, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। हल क्या है आखिर? मैं सुझाव के तौर पे ये चार मिसरे पढ़ता हूं निजाम भाई। के नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, अगला काफी आपको चौंका दे तो दांत दे देना। कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। मैं मुंबई में खड़ा हूं, मैं जिस सूबे से आता हूं, मेरे सामने बैठे हुए ज्यादातर लोग उसी सूबे के हैं। उस सूबे में पिछले दिनों एक वाकया घटा। दादरी में मरहूम अखलाक साहब जिनका कत्ल हुआ था, उनका जो कातिल था वो डासना की जेल में चिकनगुनिया से मर जाता है, और शर्म की बात यह है कि उसकी लाश को तिरंगे में लपेट करके लोग रखते हैं, और उससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि इस देश का एक कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली से डासना जा करके उसको नमन करता है, एक हत्यारोपी की लाश जो तिरंगे में लिपटी हुई थी। यह तिरंगे का अपमान है। मेरा सवाल उत्तर प्रदेश की हुकूमत से भी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं कायम हो रहे हैं। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं साहब। एक नारा उछलता रहा है शुरू से, तमाम अमन पसंद लोग इस स्टेज पर बैठे हैं, इस देश के तमाम सेकुलर लोग इस स्टेज पर बैठे हैं। एक जुमला उछलता रहा है कि टिकट पकड़ो, ट्रेवल एजेंसी खुली है, पाकिस्तान चले जाओ। क्यों चले जाएं पाकिस्तान? ये जो इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं, उन्हें बताया जाए कि आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं, हमने चुना है हिंदुस्तान को। हमारा दोस्त है मैशर अफरीदी, वो एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मैं मिसरे पढ़ता हूं और एक नया नारा उछालता हूं कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, दिल में हिंदुस्तान की मोहब्बत हिलोर मारे तो अगले सच्चे मिसरे पे दुआ दे के बताना, मुहर लगाना मेरे मिसरे पे, के लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए।
बहुत शुक्रिया। बिल्कुल एक नई सी नज्म सुनाने का मन है आपको, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे शायद सुन लिया हो। हाँ नहीं, नजीब वाली नज्म इंशाल्लाह सुनाऊंगा, अभी तो अच्छा खासा वक्त है। एक नज्म सुनाता हूँ। मैंने कहा ना आज 51वां दिन है और पूरा देश इंतजार कर रहा था कि वो किस वाले चौराहे पे आके फांसी लटकेंगे, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ भाइयों बहनों करके 46 मिनट का भाषण दे करके थैंक यू वेरी मच कह दिया, मरे हुए लोगों पर एक लफ्ज नहीं बोला। तब मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको साहब, के जालिम ताना शाह की देखो ये कैसी मनमानी है। देश हित में फैसला थोप रहे और तर्क भी कैसे कैसे भक्त दे रहे हैं। निजाम भाई आप कतारों में लोग खड़े हैं, गरीब बेचारा कतार में खड़ा है और भक्त आकर के कह रहे हैं कि देश हित में अगर सेना का जवान सीमा पर खड़ा रह सकता है तो आप कतार में बैंक की क्यों नहीं खड़े रह सकते। एक प्रतापगढ़ के आदमी से यही बात समझाई जाकर के लाइन में, लेकिन वो प्रतापगढ़ का आदमी 100 पढ़ाना एक प्रतापगढ़ा, उसने पलट के कूट दिया भक्त को, कस के कूट दिया। जब कूट दिया तो भक्त ने कहा कि भाई आप तो हिंसा पे उतारू हो गए, मैं तो ये कह रहा था कि जिस तरह सीमा पर जवान सरहद पर खड़ा रह सकता है वैसे आप कतार में क्यों नहीं रह सकते। तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल खड़ा रह सकता हूं, अगर सीमा का पर सेना का जवान खड़ा रहता है तो मैं भी देश हित में कतार में रहूंगा, लेकिन ये बताओ कि वही सेना का जवान सीने पर गोली खा लेता है देश हित में, तुम 10-20 लात भी नहीं खा सकते देश हित में। इस तरह के भी जवाब जब सुनने को मिलते हैं तो लगता है कि नहीं देश बदल रहा है, वाकई देश बदल रहा है। तो मैं नज्म सुनाता हूं साहब, के जालिम ताना शाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। सच्चा मिसरा हो तो मुहर लगाना अगले मिसरे पे, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, जालिम ताना शाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे, 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है, आम आदमी के ख्वाबों से ये तो बेईमानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। लेकिन वक्त इंसाफ करता है, वक्त बदला लेता है। अच्छा ऐसे ऐसे भक्त भी तैयार कर रखे हैं कि एक बच्चे ने एक दिन अपने बाप को बिठाया और कहा, सुनिए पिताजी फेसबुक पर मैंने 15 फेक आईडी बना रखी है, फर्जी आईडी मैंने 15 बनाई है फेसबुक पर। तो बाप ने कहा, उस 15 आईडी से करते क्या हो? तो उसने कहा, मैं मोदी जी का भक्त हूं, जो कोई मोदी जी के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ गलत सलत बोलता है मैं उसको अलग अलग फर्जी आईडी से गाली देता हूं। तो बाप ने कहा, यह सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो बेटे ने कहा कि वो जो आप कोमल भाभी को पिछले 2 महीने से रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला रहे हैं वो मैं ही हूं। नई नस्ल इस तरह से भी बेदार हुई है साहब, मुझे अच्छा लग रहा है कि सामने आज नए बच्चे भी बैठे हुए हैं। वो एक बच्चे के टीचर ने स्कूल से उसके बाप को फोन किया, बोला आपका बेटा इतना शैतान है कि ऐसी जिंदा तस्वीर बनाता है कि आदमी धोखा खा जाए, नुकसान उठा जाए, आज इसने जमीन पर 2,000 की नोट बना दी, मुझे लगा असली है, उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए,
बाप ने कहा आपके तो सिर्फ नाखून टूटे, मैं तो आईसीयू में एडमिट हूँ। तो टीचर ने कहा अरे आप कैसे एडमिट है, बोले इतना शैतान है कि बिजली के मीटर पे परसों कैटरीना कैफ की तस्वीर बना दी, चूमने के चक्कर में आईसीयू में आ गया मैं। तो ये नई नस्ल बड़ी अजीब है, इसके अपने मामले हैं, ये बड़ी प्यारी सी भी है, इसको मोहब्बत से सलीके से समेट के चलना पड़ेगा, वरना आदमी कब मुलायम सिंह हो जाए कोई भरोसा भी नहीं रहता है साहब। मैं पढ़ता हूँ, इस नज्म को आगे बढ़ाता हूँ। आम आदमी के ख्वाबों से ये तो बेईमानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। तकरीबन 36-37 दिन तक 500 के पुराने नोट से डीजल बिकता रहा, पेट्रोल बिकता रहा, लेकिन 500 के पुराने नोट से दूध नहीं बिका, अनाज नहीं बिका, सब्जी नहीं बिकी। क्यों? क्योंकि 500 और 1000 के नोट से जो डीजल और पेट्रोल बिकता रहा वो अंबानी का है, लेकिन अनाज दूध और सब्जी आम आदमी की है, किसानों की है, उनका बिक सकता है लेकिन आपका नहीं बिक सकता। समझना पड़ेगा आपको इस बात को। वो जो देश हित में बातें करने वाले लोग हैं निजाम भाई, जो कहते हैं कि हमने देश हित में यह फैसला किया है, उन्हें समझाया जाए कि देश हित का ठेका सिर्फ आवाम ने नहीं ले रखा है। आप कहते हैं कि हम कतारों में लग करके मर जाएं, हम कतारों में कई कई दिन लग करके अपने नोट बदलवाएं, आप अपनी माता जी को निकालने के लिए भेजें तो 4500 रुपए निकले। आप सोचिए कि उस आदमी से लड़ना आपको, मैं सलाम करूंगा राहुल गांधी को, सलाम करूंगा मैं इस मंच पे खड़ा होकर के राहुल गांधी को, कि जिन्होंने अपनी मां को लाइन में लगने के लिए नहीं भेजा बल्कि खुद जाकर के लाइन में लग करके पैसा बदलवा के लाए। लेकिन उस आदमी ने तो 97 साल की बूढ़ी मां को भेज दिया लाइन में लगने के लिए 4500 रुपया बदलने के लिए। रिश्तों का किस तरह इस्तेमाल करता है वो आदमी कभी सोचिएगा। आप लोगों की लड़ाई बहुत शातिर आदमी से है जो रिश्तों तक का इस्तेमाल करता है, और जिस दिन से उनकी माता जी ने 4500 रुपए बदले उसी दिन से लिमिट घटा के 2000 कर दी। मतलब आपकी माता जी बदलेंगी तो 4500, हमारी माता जी बदलेंगी तो 2000। ना इंसाफी देखिए। मैंने एक शेर कहा के फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर, पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल न कर, वोट के नाम पे नोट के नाम पे खूब सियासत कर लेकिन माँ जैसे पाकीजा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर, माँ जैसे पाकीजा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। पिछले 28 साल में 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहनने वाले हमें बताएंगे कि देश हित क्या होता है। आप उस महीन और बारीक लाइन को समझिए। हमसे आपसे कहते हैं कि देश हित में कतार में खड़े हो जाओ। मोदी जी, देश हित का ठेका सिर्फ आवाम ने थोड़ी ले रखा है, आप भी थोड़ा सा देश हित में कुछ करो ना। आप गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के 3 प्रोग्रामों में 3 घंटे में 3 कपड़ा बदलते हैं भाषण देने के लिए। आप भी उस जवान की तरह सरहद पर जो कई कई दिन बिना वर्दी बदले खड़ा रहता है उसकी तरह 2-4 भाषण दे के बताएं, तब तो लगे कि आप भी देश हित में कुछ करना चाह रहे हैं। मैं बंद पढ़ता हूं साहब कि माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए। कितना सलीके से छुपा के रखा रहा होगा लेकिन वो भी लूट लिया साहब। कि माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्ने मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, नन्ने मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, पूरा देश कतार में है ये कैसी तेरी तैयारी है, पूरा देश कतार में है ये कैसी तेरी तैयारी है, 100 से ज्यादा मौतों की अब किसकी जिम्मेदारी है, 100 से ज्यादा मौतों की। 2000 का नोट बताया गया कि रंग छोड़ता है, वो रंग नहीं छोड़ता साहब। ये जो कतारों में 125 से ज्यादा लोग मरे हैं उनके खून का असर उतर आया है उस 2000 की नोट में, वही रंग है जो निकल करके बाहर आ रहा है। 100 से ज्यादा मौतों की अब किसकी जिम्मेदारी है, लगता है उनकी आंखों का आज मर गया पानी है, कोई बताए
किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। बहुत शुक्रिया। एक नज्म सुनाता हूं जिसके लिए बहुत सारे लोगों का हुक्म है। मैं परसों तकरीबन एक घंटे से ज्यादा उस माँ के साथ था और आप यकीन करें कि उस एक घंटे में उस माँ के लम्हे भर के लिए भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं उनके साथ बैठा था, बारह मैं भी बहुत रोया उस माँ के साथ बैठ करके। नजीब बदायूं का रहने वाला एक ऐसा बच्चा जो इतना होनहार कि एमएससी में एडमिशन लेने के लिए जामिया में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में और जेएनयू में एंट्रेंस देता है, तीनों जगह एंट्रेंस क्लियर करता है। और जब जेएनयू में एडमिशन लेकर के हॉस्टल में शिफ्ट होता है तो एबीवीपी के कुछ लफंगे उसको पीटते हुए ये कहते हैं कि इसे 72 हूरों के पास भेज दिया जाए। सोचिए नफरतें कहां आ गई हैं, कौन सा मुल्क बनाना चाह रहे हैं साहेब। मैं उस माँ की तरफ से एक नज्म पढ़ता हूं, वो नज्म जो इन दिनों बहुत सुनी गई, जिसकी वजह से मुझे बहुत दुआएं मिली। जब मैं उस माँ से मिला तो मुझे ऐसा लगा निजाम भाई कि अगर उस माँ की जगह मेरी माँ होती तो, अगर नजीब की जगह कोई इमरान होता तो, नजीब की जगह कोई अनिल होता, कोई राकेश होता तो। मैं नज्म पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था के बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। जरा सा जुड़ के सुनिएगा, मैं बहुत 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 रोया था उस माँ से मिलते हुए। वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। जो कुछ कहा उस माँ ने, मैंने बस उसे नज़्म में पिरो दिया के उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। के उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ। इस देश की सियासत से जो भी गुस्सा होना है वो अपनी जगह है,
लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं कि वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी लेकर के अपने एसी चैंबर में बैठे हुए, न्यूज रूम में बैठे हुए सत्ता की दलाली कर रहे एंकरों को क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है एक रोती हुई मां, एक बिलखती हुई मां, एक चीखती हुई मां। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना ये साहेब से एक मां की रुदाद कहना। ये चार मिसरे इस बंद के कहने के लिए ही मैंने पूरी नज्म कही और अब तक जो खामोश रहे मैं एक हाथ को कसम देता हूं चौथे मिसरे पे एक एक शख्स की दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। ये सच है और जो मैं कहने जा रहा हूं वो साबित हो रहा है। ये नोटबंदी का फैसला आपको लगता होगा कि अपने आप उन्होंने कर दिया है, नहीं साहब, मेरा मानना है कि कोई एक ताकत है जिसने ये फैसला उनसे करवाया है ताकि उनकी बर्बादी की शुरुआत हो सके। मैं पढ़ता हूं, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक माँ के अशकों का सैलाब साहेब, है एक माँ के अशकों का सैलाब साहेब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए के उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। वक्त बचाया भी, बचाया भी। मुझे बताया गया कि 10-1 मिनट अभी और बचे हुए हैं। अच्छा 20 मिनट बचे हुए हैं सब ऐसा। अच्छा जी जी, अच्छा मदरसे की भी नज्म सुना दूंगा, मुझे और भी कुछ नज्मों की फरमाइश है मैं वो भी सुना दूंगा। जहाँ जो दोस्त बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि वहीं रहें, जो काम अभी रात के 12 बजे जाके करेंगे वो आप 12:30 बजे भी जाकर के कर सकते हैं। अच्छा इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे की टैक्सी में बैठ के आए हैं, जब तक वो ना जाए तब तक जाएं कैसे। और कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि घर जाकर के सोती हुई शेरनी को जगाने पे बड़ा खतरा है, मार वार भी खानी पड़ सकती है, तो बेहतर है मशारे में ही थोड़ी देर जमे रहो। अभी लता बहुत अच्छा पढ़ रही थी, पतंजलि का उन्होंने जिक्र किया तो मुझे बाबा रामदेव जी याद आ गए, महान शख्सियत। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ साहब, मुझे याद आ गए ये मिसरे। दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करने वाला बंदा आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया। और संपत सरल तो क्या मजे की एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि योग करते रहना चाहिए। योग करने का एक फायदा यह है कि शरीर इतना लचीला हो जाता है, बदन इतना लचीला हो जाता है कि मुश्किल में किसी भी औरत का कपड़ा पहन करके आप भाग सकते हैं। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं। पिछले दिनों उन्होंने हरियाणा में एक बयान दिया सरदार जी, उन्होंने कहा कि कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं वरना जय ना बोलने वालों की गर्दने काट देता। उन्होंने जैसे ही ये बात कही उनके पड़ोस में खड़े उनके पीए ने कहा कि बाबा जी क्या बोल गए आप, अगर गर्दने काट देंगे तो जो अपना तेल और शैंपू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बात बाबा की समझ में आ गई, बाबा ठहरे बिजनेसमैन, बाबा चुप हो गए। लेकिन मेरी जिम्मेदारी वहीं से शुरू हुई, मैंने चार मिसरे कहे, सिर्फ एक सवाल बड़ा मासूम सा पूछा कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। प्रतापगढ़ का आदमी बड़ा समझदार होता है साहब, वो 5 रुपए में 50 रुपए का काम लेने का हुनर जानता है, उसे ये सलीका मालूम है साहब। वो एक प्रतापगढ़ वाला आदमी जो है वो ट्रेन में सफर कर रहा था, नीचे 2-3 लड़कियां बैठ के आपस में शादी की बात कर रही थी। एक लड़की ने कहा कैसा शौहर चाहिए, तो दूसरी ने कहा कि
करोड़पति चाहिए। तो दूसरी ने कहा अगर करोड़पति ना मिला तो उसने कहा कोई बात नहीं, 50-50 लाख के दो कर लूंगी। उसने कहा अगर 50-50 लाख के दो ना मिले तो उसने कहा कि 25-25 लाख के चार कर लूंगी। तो उस लड़की ने कहा ये बताओ अगर 25-25 लाख के चार भी ना मिले तो, उसने कहा 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। प्रतापगढ़ वाले से बर्दाश्त नहीं हुआ, ऊपर की बर्थ पे था, सीधे नीचे कूद के बोला बहन जी जब ये रेट 1000 तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर देना, मैं भी लाइन में हूं। तो बस थोड़ी देर इसी तरह आप भी लाइन में रह लीजिए, फिर इंशाल्लाह साथ ही निकलते हैं। मैं पढ़ता हूं साहब के जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। ये साल जैसा भी गुजरा हो लेकिन आखिरी हफ्ता बहुत खूबसूरत रहा है साहब, क्योंकि करीना और सैफ ने एक बहुत खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया है। मुबारकबाद देता हूं उस फूल से मासूम से बच्चे के लिए। लेकिन आप सोचिए ना कि भक्तों ने एक दिन के पैदा हुए बच्चे के नाम पे कैसा बवेला खड़ा किया कि तैमूर नाम क्यों रख दिया, तैमूर नाम तो एक ऐसे जालिम बादशाह का था जिसने लाखों लोगों का कत्ल किया है। मैं ये कहता हूं साहब के नाम में क्या रखा है, जरूरी नहीं कि नाम का असर किसी बच्चे पे उतर आए, हो सकता है कि वो नाम के मायने भी बदल दे। अगर नामों का इतना ही असर होता तो निर्भया का बलात्कार करने वाले शख्स का नाम राम सिंह था तो क्या किया जाए, राम नाम रखना बंद कर दिया जाए? नहीं साहब, नामों में कुछ नहीं रखा होता, बच्चों के किरदार से नाम का वजन तय हुआ करता है। करीना उसमें एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर आई थी हॉस्पिटल की, करीना अपनी गोद में उसे एक दिन के प्यारे से बच्चे तैमूर को लेकर के वो तस्वीर थी, उसकी पेशानी चूम रही है। मैंने चार मिसरे भक्तों को तपाने के लिए ही कहे और वो सोशल मीडिया पे इतने वायरल हुए कि चारों तरफ फैल गए वो चार मिसरे। मैं यहां भी सुना देता हूं कि बला की सादगी रखी गजब का नूर रखा है, मैं वो तस्वीर देख रहा था और ये मिसरे हो रहे थे कि बला की सादगी रखी गजब का नूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है, बड़े हो करके तुमको नफरतों का कत्ल करना है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। नज़्म सुनाता हूं साहब के वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार, न खाऊंगा न खाने दूंगा, चौकीदार हूं मैं देश का। भाइयों बहनों मित्रों नज़्म सुनिएगा, थोड़ा सा मूड में आ जाइए तो मैं कुछ अच्छा सुना दूं आपको, मुझे भी अब मूड में ला दीजिए। के वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार, ये मुशायरा महज 207 मुल्कों में देखा ही नहीं जा रहा है। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय टाइप के मेहमान भी बैठे हुए, सिडनी से, मेलबोर्न से, वहां के काउंसलर हैं इंताज साहब, वो इस मुशायरे को सुनने आए हैं, मुझे भी पता चला। मैं चाहता हूं कि इतने दूर के मेहमान के लिए आपकी एक बार जोरदार ताली बजे, उनकी मौजूदगी को सलाम करता हूं, वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आपका बहुत शुक्रिया आप इस मशायरे में इतनी दूर से इसे सुनने के लिए आए। तमाम जो हमारे दोस्त हैं अकबर साहब, जाबिर साहब, खान साहब और ये असीर वगैरह, असाद साहब, सब प्रतापगढ़ के जो दोस्त हैं, मैं पढ़ता हूं साहब के वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार, अगला मिसरा पहुंच जाए दिल तक तो बता देना मुझे, वाहरे
देश के चौकीदार वाह हरे देश के चौकीदार। विजय मालिया नाक के नीचे से हो गया फरार वाह हरे देश के चौकीदार वाह हरे देश के चौकीदार। पीछे इंदिरा जी की तस्वीर है और मुझे ये मिसरे याद आ रहे हैं और अगर सच्चे लगे तो मुझे दुआ दे के बताना। पूरे यूपीए के शासनकाल में यानी कि पिछली हुकूमत के 10 साल में भी हमने उतने जवान नहीं खोए थे जितने पिछले 2.5 साल में खोए गए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मुंबई वालों कि राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये जो लोग हैं जिनके लिए पाकिस्तान और राष्ट्रवाद सिर्फ चुनावी जुमला है, जितने भी सैनिक मारे गए हैं आज तक एक भी सैनिक की अंतिम यात्रा में उसके जनाजे में शामिल होने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक भी मिनिस्टर कहीं गया नहीं है। अजब सी बेहिसी है, उनका दामन नम नहीं होता, पाकिस्तान चले जाते हैं बिना मुल्क को बताए हुए, नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देते हैं। कभी सोचिए अगर वही मुबारकबाद इमरान प्रतापगढ़ी या आमिर खान या शाहरुख खान ने दी होती तो पूरा देश सर पे उठा लिया गया होता। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि अजब सी बेहिसी है, उनका दामन नम नहीं होता कि उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। अजब सी बेहिसी है, उनका दामन नम नहीं होता कि उनके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाते थे उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता, उन्हें अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। तब मैं बहुत सच्चे मिसरे पढ़ रहा हूं कि वाह हरे देश के चौकीदार, वाह हरे देश के चौकीदार। तुमसे ज्यादा सरदार था वो पिछला सरदार, वाह हरे देश के चौकीदार, वाह हरे देश के चौकीदार। विजय मालिया नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह हरे देश के चौकीदार, वाह हरे देश के चौकीदार। के देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा। बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, मीडिया के साथी नोट करें मेरी इस बात को। साहब ने आते ही 1,14,000 करोड़ रुपयों का उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। नोटबंदी के बाद से अब तक पिछले 15 दिन पहले का आंकड़ा था कि 1,24,000 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ है। लेकिन मैं जिस महाराष्ट्र में खड़ा हूं, इसी महाराष्ट्र में विदर्भ में 3500 से ज्यादा किसानों ने पिछले एक साल में खुदकुशी की है महज कुछ लाख रुपए का कर्ज ना अदा कर पाने की वजह से। और वो कहते हैं कि किसानों की सरकार, इमरान मिसरे पढ़ता है साहब कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, हमारे आपके घरों का हमारे आपके पसीने का पैसा चूस लेना चाहते हैं। इस देश के 85 लोगों पर 87,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, उनका नाम तक नहीं बता रहे हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नाम बताइए, लेकिन हमारी हुकूमत अपने उद्योगपति दोस्तों का नाम बताने को तैयार नहीं। मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है, जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है। राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं अजब दोगलापन है, राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं अजब दोगलापन है। जो ये बातें कह दे वो हो जाएगा
गद्दार बाहरे देश के चौकीदार बाहरे देश के चौकीदार देश के चौकीदार वाहरे देश के चौकीदार। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। एक नज्म आखिर में चार मिसरे, आखिर में बिल्कुल आखिर में चार मिसरे पढ़ करके आज की इस शाम जो रात में तब्दील हो चुकी है, नया साल आप सब लोगों को बहुत 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 मुबारक ही होने जा रहा है। बस ये चार मिसरे पढ़ के चलता हूँ कि भारत माँ की आंखें तारे कहाँ गए, आरएसएस के राज दुलारे कहाँ गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। भाई साहब का हुक्म है कि वह चार मिसरे भी सुना दीजिए। हर बॉल पे वो शॉट लगा कर चला गया। जो लोग खड़े हैं थोड़ा सा सबकी शिरकत हो कि हर बॉल पे वो शॉट लगा कर चला गया, वो सबकी नाव घाट लगा कर चला गया, नफरत की सियासत में भी मासूम सा राहुल आया और सबकी बाट लगा कर चला गया। और मुंबई वालों, मेरी खुशबू संभाल कर रखना। मैं पिछली बार जब अंटा फिलाया था तो मैं महज इमरान था, इस बार आपकी दुआओं से प्रतापगढ़ के लिए भी शायद ये बड़ी बात होगी कि महज 29 साल की उम्र में मेरे दामन में यश भारती जैसा अवार्ड है जो प्रतापगढ़ जिले को पहली बार नसीब हुआ, इलाहाबाद मंडल को पहली बार नसीब हुआ। मैं मिसरे पढ़ता हूँ साहब के, सबके दिलों की जान बनाया है आपने। मैं टैक्सी चलाने, दुनिया कहती थी क्या आता है, सिर्फ टैक्सी चलाना आता है, यही तो कहा जाता था ना, लेकिन आज मालिक का करम है कि दुनिया कुछ और भी कहती है, आपकी तारीफ भी करती है। मैं मिसरे पढ़ता हूँ सब के, सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने, कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है आपने, और मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना। बहुत शुक्रिया।